इस वक्त की बड़ी खबर है, गढ़चिरौली में नक्सली हमला। तो सीसाट कमांडो के गश्ती दल पर आईडी हमला किया गया है और नक्सलियों ने गश्ती दल की गाड़ी को उड़ाया। हमले में 10 जवानों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गढ़चिरौली में नक्सली हमला हुआ है, सीसाट कमांडो के गश्ती दल पर आईडी हमला किया गया है। नक्सलियों ने गश्ती दल की गाड़ी को उड़ाया और मौका वारदात की तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां हमले में 10 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं हरकेश कुमार। तो यहां पर आईडी हमला करने की कोशिश की गई है, क्या कुछ जानकारी? दिव्या, इस समय गढ़चिरौली पर जो हमला हुआ है, उसमें गढ़चिरौली के पास में पुलिस वाहन था, उसमें करीबन 15 से ज़्यादा आपके कमांडोज की घायल होने की खबर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गढ़चिरौली लगभग आंध्र प्रदेश से और जो नज़दीकी इलाका है आपका, वहाँ से लगता है। और आंध्र प्रदेश, और हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन सब इलाकों में जो है, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए इलाकों में जो है, वहाँ पर काफ़ी एक्टिविस्ट घूमते हैं नक्सलवादी। और इस समय चूंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हर पूरे प्रदेश भर में, क्या पूरे देश भर में ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कैसे ये हमला हुआ, क्यों करके ये हमला हुआ और कैसे इसमें ये सफल हो गए आईडी ब्लास्ट करने पे नक्सली, जबकि वहां पर गश्ती दल लगातार घूम रहे हैं, और जो हम जानते हैं कि इसीलिए कई फेजेस में चुनाव किए जाते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा छत्तीसगढ़ इलाका और जो आंध्रा से जुड़ा हुआ गढ़चिरौली का इलाका महाराष्ट्र का है, ये सारा सेंसिटिव इलाका है। शुरू से ही ये बात हम लोग जानते हैं कि ये काफी सेंसिटिव इलाका है। तो कैसे यहाँ पर हमला हुआ, अभी ये जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें कम से कम 15 जवानों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल हरकेश, की बात की जाए, जब नक्सलवाद की, नक्सलियों की बात होती है, तो जब इलेक्शन के समय इनकी गतिविधियां और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो इफेक्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के वो हमेशा विरोधी रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो नक्सली जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कुछ जो घायलों की बात आ रही थी, अभी तक एक बात और अपडेट कर दे रहा हूँ, जो 15 लोगों के घायल होने की बात आ रही है, उनमें काफी लोगों के शहीद होने की भी खबर आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि 10 के करीब जवान जो हैं, जो घायल हुए थे, वो शहीद के उस पे आ रहे हैं। तो अभी ये खबर पूरी अपुष्ट है, लेकिन फिर भी चूंकि आईडी ब्लास्ट है, ब्लास्ट इतना हल्का होता भी नहीं है, और चूंकि वाहन पे ब्लास्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये संभावना जताई जा रही है। और जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी कि भाई ये इलेक्शन के समय में होता है, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि नक्सली ये नहीं चाहते हैं कि उनके इलाकों में इलेक्शन हो और इलेक्शन में लोग एक्टिविटी के साथ पार्टिसिपेट करें। उनका रीजन ये है कि उनके क्षेत्रों के विकास के मुद्दे पर वो हमेशा ये हावी रहते हैं कि उनके क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाता है, वहाँ रोजगार के साधन नहीं होते हैं, तो उनके पास जीने और खाने के संसाधन नहीं होते हैं, इसका काम ही लेकर के वो विरोध करते हैं। तो ये पूरा इलाका मैं आपको बता दूं, गढ़चिरौली का इलाका जुड़ता है आपके एकदम करीब करीब करीमनगर से, जो आंध्रा का हिस्सा है, और उसके ठीक अपोजिट अगर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर पड़ता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का इलाका आपका, करीमनगर का इलाका और गढ़चिरौली का इलाका, ये पूरा इलाका ही एक तरीके से ये काम करता है जहां पर नक्सली काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और दर्शकों को भी अपडेट देते जाएं कि 15 जवान अभी तक शहीद बताए जा रहे हैं। हरकेश जी, जब भी बात की जाती है नक्सलवाद की, ये सबक सिखाने की बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर, लेकिन इनके शिकंजे में आपको बता दें आम लोग भी आ जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरीके से नक्सलाइट्स हमारे यहाँ खत्म हो, उसका बेसिक रीजन है कि उन क्षेत्रों का विकास संभव नहीं हो पाता है। और चूंकि नक्सली ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, जंगलों के भीतर की जो पूरी एक तरीके से कहें कि लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप को समझना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी पुलिस उसमें घुसती है तो नक्सलों के हमले के डर रहते हैं, और जंगल काफी घने होते हैं, और ये वहां पर अटैक करके वापस उन्हीं जंगलों में छुप जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है राज्यों के लिए भी और अपने शासन के लिए भी और केंद्र के लिए भी, कि नक्सलियों को खत्म करने की दिशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नक्सली वहां पर क्यों पैदा हो रहे हैं, इस मूलभूत चीज पर प्रहार किया जाए। ठीक इसी तरह सर्वज ड्रोन चलाया गया था मध्य प्रदेश क्षेत्रों में, लेकिन वो भी बाद में असफल ही साबित हुआ। कोशिश काफी हुई लेकिन फिर भी कम हुआ। बात भले ही केंद्र सरकार कितना भी कह रही हो कि हमारे आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, हमारे नक्सलाइट खत्म कर दिए गए हैं, या अब बहुत कम सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा लगाना होगा कि कंटिन्यूअस
नक्सली हमले भी हुए, पुलवामा में भी अटैक हुआ, ये सब अटैक हुए और इनका कोई तोड़ जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार निकाल नहीं पा रही है। दिव्या, बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह भारत सरकार लड़ाई लड़ रही है, एक बड़ी सफलता अगर हरकेश जी बात की जाए तो मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाएगा, ऐसे ही नक्सलवाद पर भी कमर कसने की जरूरत है भारत सरकार को। बिल्कुल दिव्या, आज ये बात आ भी रही है क्योंकि मसूद अजहर को लेकर के जाया गया है और सुरक्षा परिषद में ये बात रखी गई है, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने ये बात रखी है और कोशिश की जा रही है कि चाइना उस पर दबाव लगे। लेकिन ये नक्सली एरिया और आतंकवादी दो अलग अलग हिस्से हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आतंकवादी एक अलग से संगठन के तौर पर काम करता है, जो बाहर से आते हैं वो आतंक फैलाते हैं, लेकिन नक्सली तो हमारे देश के ही हैं और वो हमारे भीतर ही रहते हैं। उनको सपोर्ट जरूर बाहर से मिलता है लेकिन वो व्यक्ति हमारे भीतर ही रहते हैं, वो बाहर से इंट्रूपर के तौर पर नहीं आते। तो इसलिए उनको चिन्हित करना, उनको ढूंढ करके उनको ठीक से अपने मेन स्ट्रीम में जोड़ना आसान काम है, बनस्बत आतंकियों को खत्म करना और उनको मेन स्ट्रीम में ले आना वो कठिन काम है। लेकिन फिर भी नक्सलियों के ऊपर थोड़ा ये कड़ा प्रहार करना पड़ेगा सरकारों को। बिल्कुल, नक्सलवाद की जो घटना है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस दौरान भी डीडी दूरदर्शन की कैमरामैन की भी हत्या हो गई थी, गोली मार दी थी एक नक्सलाइट ने, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ सख्त कदम नहीं उठाए गए। इसके विरुद्ध बात की जाए तो लगातार पॉलिटिशियंस की तरफ से राजनीति ही की जा रही है। हरकेश, जब भी हमले होते हैं राजनीति चरम पे आ जाता है, ये बात सच है। एक दूसरे पे आरोप पड़ने लगते हैं, हर सरकारें एक दूसरे को आरोपित करती हैं, पर हमें ये देखना होगा कि पिछले 20-30 साल से जो भी घटना हो रही है किसी एक सरकार का विषय नहीं है। हर सरकार इन सब चीजों से परेशान रही है और हर सरकार ये जानती है कि ये इतना आसान संभव इलाज भी इसका नहीं है, लेकिन ये इलाज निकालने होंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, नक्सलाइट के एरिया पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सी-8 कमांडो के जो आपको बता दी गश्त कर रहे थे, जो काफिला उनका निकल रहा था, उस दौरान ये हमला किया गया है। हमले में 15 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला।